हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आज मैं अपने सावनी आप सभी के साथ फिर से शेयर कर रही हूं। सावनी के फूल इन दिनों काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे बने हुए हैं और अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, देखने में बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। आज मैं आप लोगों को अपने गार्डन के वो सावनी के कलर दिखाऊँगी जो कि मेरे गार्डन में खिल रहे हैं और बड़ी अच्छी उनकी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सावनी में बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है और कलियों से ये भरे हुए हैं। दानेदार इनकी कलियाँ होती हैं जैसा कि आप आगे देख रहे हैं, और फूल खिलने पर कुछ इस तरह से होते हैं। तो अभी आप बहुत ही अच्छा समय है, इन्हें लाइए और अपने गार्डन में ऐड करिए। अगर आपके पास कहीं जगह है, ज़मीन में जगह है, तो आप ज़मीन में लगाइए। ज़मीन में बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होती है और बड़े ही खूबसूरती से ब्लूमिंग करते हैं। मैंने इन्हें पॉट में लगाया हुआ है, समय से पानी भी दिया है, अच्छी वेलिन मिट्टी दी हुई है जिससे कि इनकी ग्रोथ हो रही है। और इन दिनों बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में ये खिल रहे हैं तो बड़े ही खूबसूरत दिख रहे हैं। बारिश की वजह से इनका काफ़ी फूल झड़ भी चुका है, और कोई बात नहीं है, इधर फूल झड़ते हैं उधर इनकी अच्छी कलियां आती हैं और फूल खिलते रहते हैं। इस तरह से इसकी कलियां होती हैं, मैं दिखा दूँ, ये देखिए, ये इस तरह से इसकी कलियाँ होती हैं, और यही कलियाँ जब मेच्योर हो जाती हैं तो ये फ्लावरिंग करने लगते हैं। तो बड़े ही खूबसूरत तो इनकी कलियाँ ही होती हैं, कुछ इस तरह से, जो कि मटर के दाने के जैसे हैं और बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। और जब ये कलियाँ मेच्योर होती हैं तो ये फ्लावरिंग करने लगता है कुछ इस तरह से, ऐसे इसके फूल होते हैं। तो आज मैं अपने गार्डन में लगे हुए कलर दिखाऊंगी, कितने कलर मेरे पास लगे हैं। मैंने तो दो तीन कलर लगाए हुए हैं, और भी मेरे पास थे लेकिन वो किसी कारण से ख़राब हो चुके हैं। और फिलहाल इनके कलर जो भी आप लगाएँगे वो बड़े ही खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये रानी कलर है, डार्क पिंक है, जिससे कि ये बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। अभी शाम हो चली है तो शाम को इसके फूल कुछ डल लग रहे हैं, क्योंकि इधर लगातार बारिश हुई है और लगातार बारिश में ये फूलों का कलर कुछ फेड हो चुका है। झड़े हुए फूल भी प्लांट में कुछ ना कुछ फूल रहते हैं, यानी झड़ जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, अच्छे लगते हैं। तो इस रानी कलर को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। रानी कलर के जो भी ये फूल होते हैं बड़े ही खूबसूरत लगते हैं और साथ ही साथ देखने में अच्छे लगते हैं, और गार्डन फूलों से भरा होता है। साथ ही यहाँ पर मैंने वाइट भी है, वाइट तो मैं दिखा ही रही हूँ, पिंक भी दिखा ही रही हूँ, और एक ऊपर भी लगा है, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो इस तरह से देखिए सफ़ेद की फ्लावरिंग हो रही है, और जब इसके फूल खिल रहे हैं तो मैं इसमें नमी बना करके रखती हूँ। वैसे भी पूरे समर मैंने इसको बहुत अच्छा पानी दिया है, और अभी तो बारिश हो रही है, तो बारिश के समय में देखिए इस तरह से, और नीचे देखिए कितने फूल झड़े हुए हैं। तो ऐसा है कि ये इधर झड़ते हैं उधर खिलते हैं, तो ये अपनी ग्रोथ इसी तरह से बनाए रखते हैं। और प्लांट में फ्लावरिंग हमेशा ही बनी रहती है, ऐसा नहीं है कि फूल झड़ जाते हैं और सब एक साथ झड़ते हैं, ऐसा नहीं है। तो इन दिनों बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। तो दो कलर मैंने दिखा दिए, यहाँ पर देखिए तो पिंक है और यहाँ पर देखें तो वाइट है। एक मेरे पास लाइट पिंक भी है, वो फोर्थ फ्लोर पे रखा है, तो चलिए उसे भी दिखा देते हैं। ये है वो फोर्थ फ्लोर पे प्लांट जो कि लगा हुआ है सावनी का, और ये देखिए पर्पल है, मुझे लगा कि ये पिंक है और ये पर्पल है। तो पर्पल के भी फूल बड़े ही खूबसूरत होते हैं, और ये पूरा फूलों से भरा हुआ था। अभी दो तीन दिन की बारिश में सारे फूल झड़ चुके हैं और नई कलियाँ इनमें बन रही हैं। मैं इनके कलियाँ भी दिखा दूँ, देखिए। तो इधर इनके फूल झड़ते हैं और फिर इनमें नई फ्लावरिंग होती है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये जब ये पिंक कलर का है, पूरा फूलों से भरा हुआ था, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और आपने और देखे ही हैं कि कितनी अच्छी इसकी फ्लावरिंग चल रही है। ये सीमेंट के पॉट में लगा है और ये फोर्थ फ्लोर पे रखा हुआ है। तो इस तरह से सावनी के कलर आप ला करके लगा सकते हैं, इनमें बड़े ही प्यारे प्यारे कलर, इसमें रेड भी मिलता है, तो वो अगर मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो यही थी हमारी सावनी पर छोटी सी वीडियो, और सावनी के कलर ऐड करने हैं तो आप नर्सरी से उनके कलर देख करके ला करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कई कलर की सावनी जब लगती है तो गार्डन में बहुत अच्छी ग्रोथ चलती है और देखने में खूबसूरत लगते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो का करती हूँ एंड, मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय।